अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहंशाह, डॉन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, ऐसे कई नाम हैं अमिताभ बच्चन के। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए हैं। इनका साथ हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफ़र ब्रह्मास्त्र और गुडबाय तक जारी है। वहीं 4-5 फिल्में रिलीज़ की कतार में हैं। अमिताभ जिंदगी के 8वें दशक में भी किसी यंग एज स्टार की तरह एक्टिव है। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। शुरुआत में अमिताभ का नाम इंकलाब रखा गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ बॉलीवुड का कोई किस्सा नहीं, एक मुकम्मल चैप्टर है। इस चैप्टर में कई कहानियां हैं, कुछ बहुत सुनी सुनाई और कुछ अनसुनी सी। 110 साल के इंडियन सिनेमा में 50 साल अमिताभ के हैं। इन 50 सालों को एक साथ समेटना भी लगभग नामुमकिन ही है। अमिताभ बच्चन अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, गायक और पूर्व राजनीतिज्ञ भी है। अमिताभ का फिल्मी करियर मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में एक आवाज़ कथाकार के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। इन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक भारतीय फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई पुरस्कार शामिल है। भारत सरकार ने इन्हें कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। अपने 8 दशक में अमिताभ ने बेमिसाल समय देखा है और लगातार उनका सफर अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस दिवाली घर आएगी खुशियां ही खुशियां। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री, साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर।